नमस्कार दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और आपके दांत बहुत ज्यादा पीले या काले हो गए हैं या आपको बहुत दिनों से पायरिया की प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपको एक होम्योपैथिक टूथ पाउडर के बारे में बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं या आप बहुत ज्यादा बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, तो आपके दांत जो है वो धीरे धीरे पीले हो जाएंगे और उसके बाद वो काले होना चालू होंगे और उसमें लाल लाल कलर के कालापन आना चालू होगा और वो चिपक जाएगा और कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाता है दांत में। और अगर आपको पायरिया है तो नीचे तरफ पूरा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। आप जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो बहुत सारा कैल्शियम डेंटिस्ट निकाल देगा और दांत जो है वो ढीले हो जाएंगे। और उसके बाद पायरिया में क्या होता है, दांत जो है उसके नीचे वाले रूट से वो ढीले होना चालू हो जाते हैं और उसके बाद निकल ही जाता है। और पायरिया के केस में आपको बहुत ज़्यादा खून निकलेगा, मुंह में बदबू आएगी, तो ये प्रॉब्लम पायरिया में रहता है। सबसे ज़्यादा पायरिया में मुंह में बदबू आती है और खून निकलता है। जब आप ब्रश करते हो तो मुंह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है और दांतों के नीचे साइड में पीलापन रहता है। तो दांतों के जैसे जड़ों में पीलापन रहेगा, एक्चुअली में वो कैल्शियम डिपॉजिशन है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो कैल्शियम स्केलिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, और स्केलिंग कर देगा और स्केलिंग के बाद आपके दांतों से पूरा कैल्शियम बाहर निकल आएगा और दांत जो है वो रूट पूरा निकल जाएंगे या ढीले हो जाएंगे। एक दो बार और स्केलिंग कराएंगे तो आपको रूट पूरा निकल जाएगा। तो पायरिया की एलोपैथिक में स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं आती है और होम्योपैथिक में एक मैं आपको अभी फिलहाल के लिए एक टूथ पाउडर बताता हूँ और उसके बाद एक पायरिया का प्रॉपर वीडियो आपको ला के दूंगा। तो आज मैं एक टूथ पाउडर बता रहा हूँ जिससे आपके कैल्शियम डिपोजिशन, जो नीचे दांतों के नीचे कैल्शियम का डिपोजिशन होता है और जो आपको पायरिया की प्रॉब्लम है और जो आपको अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा गुटखा वगैरह खाते हैं या बहुत ज़्यादा पान खाते हैं। नॉर्मली आजकल तो 50-60% मेल्स गुटखा और पान और सिगरेट तो आम भाषा में एक वो हो गया है, स्टेटस सिंबल हो गया। तो आजकल बहुत ज़्यादा गुटखा पान सिगरेट वगैरह चलता है और उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे दांत जो है वो पीले होने लगते हैं और पीले होने के बाद वो वहाँ पर कालापन आ जाता है। और नॉर्मल टूथ पाउडर या टूथ जो आप पेस्ट लेते हैं तो उससे वो दांत का पीलापन नहीं जाता और ना ही उससे कालापन जाता है। और मैं आज आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ, होम्योपैथिक टूथ पाउडर बता रहा हूँ जिससे आपका वो पीलापन और वो सफ़ेदपन और वो लालपन और जो कैल्शियम डिपोजिशन है पायरिया में और जो आपको मुंह में बदबू आती है वो सब ठीक हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। लगभग आप 1 महीने तक यूज़ करेंगे एक फाइल तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो ये है वीजल का हेटला लावा टूथ पाउडर, ये बहुत ही इफेक्टिव है। मैं लगभग 6 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ ये वीजल का हेटला लावा टूथ पाउडर। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देखिए आप डीजल होम्योपैथिक हेक्ला लावा टूथ पाउडर लिखा हुआ है और स्ट्रॉन्ग और नीचे हेक्ला लावा लिखा हुआ है, सॉरी तो नीचे लिखा हुआ है हेक्ला लावा और ऊपर टूथ पाउडर लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारे कंपोजिशन है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ पूरा घुमा फिरा के कि आप अच्छे से इसको देख लें। तो कभी होम्योपैथिक शॉप में जाएँ तो आपको ये याद रहे कि ऐसा ही आता है, कुछ और कोई ना पकड़ा दे। तो इसलिए मैं अच्छे से दिखा देता हूँ और एक पिक्चर भी लगा दूंगा तो आप देख लीजिएगा। और इसकी MRP से बात करते हैं, फिर इसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे, फिर आपको लगाना और यूज़ कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा वीडियो। तो सबसे पहले MRP बात करते हैं, तो 90 रुपीज़ की MRP है, 90 रुपये का ये आता है। और ये एक फाइल लगभग लगभग 1.5 महीने, अगर एक आदमी यूज़ करेगा 1.5 से 2 महीने यूज चल जाता है। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ही कम कॉस्ट का है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। 90 रुपये में 1.5-2 महीने अगर कोई टूथ पाउडर चल जाता है तो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप पूरे फैमिली में यूज़ करते हैं तो लगभग लगभग 1 महीने चल जाता है। तो चलते हैं अब इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले डाला हुआ है कैलेंडुला, और कैलेंडुला जो है वो आपके दांतों और आपके मसूड़ों और आपके जो दांतों के चारों तरफ मुंह रहता है, मुंह के अंदर की जो वहाँ पर बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी तरह के कीटाणु या जीवाणु, आपके मुँह के अंदर बहुत सारे कीटाणु या जीवाणु रहते हैं, तो उनको ठीक करने में, उनको वहाँ से ख़त्म करने में, उनको मारने में बहुत ही इफेक्टिव है कैलेंडुला मदर टिंचर। आप कैलेंडुला मदर टिंचर से आप अगर आपको बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं तो आप खुला कर सकते हैं, छाले भी ठीक हो जाते हैं। और कैलेंडुला एंटीसेप्टिक के तौर पे होम्योपैथिक में यूज़ की जाती है।
इसमें कैलेंडुला डली हुई है जो कि एंटीसेप्टिक है। दूसरी मेडिसिन है क्रियोजोट, और क्रियोजोट अगर दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है क्रियोजोट। और उसके बाद डली हुई है प्लैंटैगो, और प्लैंटैगो अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो और दांतों में दर्द रहता हो और सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं, आपने बहुत ज़्यादा गर्म खा लिए या बहुत ज़्यादा ठंडा कुछ पी लिए या कोल्ड ड्रिंक बाहर से जाके ले लिए या एकदम से आपने कॉफ़ी वगैरह पी गर्म, तो आपको दांतों में एक झंझनाहट सी महसूस होगी और उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। और सेंसिटिविटी के लिए प्लैंटैगो मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है, 20 बूंद आधे कप पानी में डाल सकते हैं, और इसमें हेक्ला लावा टूथ पाउडर में भी डला हुआ है। और चौथी मेडिसिन है एजआरआर इंडिका। तो एजआरआर इंडिका मतलब नीम, और नीम दांतों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और नीम से दांत बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, साथ में पूरे मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं नीम से। तो ये दांतों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक मेडिसिन है हेक्ला लावा। तो हेक्ला लावा दांतों के सफ़ेद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा काले हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि आप बहुत ज़्यादा गुटखा वगैरह या सिगरेट वगैरह लेते हैं तो दांतों में बहुत ज़्यादा पीलापन आ गया है, तो उसके लिए हेक्ला लावा टूथ पाउडर, हेक्ला लावा 1X या हेक्ला लावा 3X बहुत ही इफेक्टिव है। और हेक्ला लावा टूथ पाउडर वीजल का ये बहुत ही इफेक्टिव है, और इसमें हेक्ला लावा तो डला ही हुआ है क्योंकि ये हेक्ला लावा नाम से ही आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कंटेंट डला हुआ है वो है हेक्ला लावा पाउडर। तो हेक्ला लावा पाउडर करता क्या है कि आपके दांतों को सफ़ेद करता है। और फिर उसके बाद एजआरआर इंडिका के बारे में मैंने बता दिया। अब चलिए कैल्केरिया फॉस। तो कैल्केरिया फॉस दांतों को मजबूत करने में बहुत इफेक्टिव है, मैंने बहुत सारे कैल्केरिया फॉस के ऊपर वीडियो बना के रखे हुए हैं। कैल्केरिया फॉस कैल्शियम है, अगर आपको दांत निकलने में या दांत थोड़े टूट रहे हैं, ब्रिटलनेस ऑफ टीथ जिसको बोलते हैं, तो अगर वो हो रहा है, ब्रिटिल हो रहे हैं, बार बार टूट जा रहे हैं दांत, तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है कैल्केरिया फॉस। और एक मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर। अगर आपके बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे ऊपर नीचे हैं दांत, आजकल बहुत ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए कैल्केरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक मेडिसिन है मर्क और। तो अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो मर्क और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सब मेडिसिन इसमें डली हुई हैं, साथ में हेक्ला लावा पाउडर डला हुआ है। और तो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट हेक्ला लावा पाउडर का रहता है, उसके बाद प्लैंटैगो, क्रियोजोट, कैलेंडुला, एजआरआर इंडिका, कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया फॉस इनका रहता है, और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। अब चलिए मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो सिंपल, इसको आपको खोलना है ऐसे, यहाँ पर ये सील पैक है, इसको आप खोल लीजिएगा, और उसके बाद इसको ढक्कन को खोल के हाथ में, सिर्फ इसको हाथ में ही, साफ हाथ रहना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा ले लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे ले लिए आप, और उसके बाद सुबह शाम उंगलियों से आपको मंजन करना है। तो दो बार या तीन बार उंगलियों से आप मंजन करिए, एक बार सुबह करिए, एक बार रात में करिए, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपके दांत को सफ़ेद करने के लिए। और मेरा रिकमेंडेशन तो ये भी रहेगा कि आप उंगलियों से जब मंजन करते हैं तो कम से कम इतना लीजिए, और कम से कम 1 या 2 मिनट तक तो मंजन करिए ही, 2 मिनट तो एटलीस्ट आप उसको, दांतों को हल्के हाथों से रगड़िए, और अंदर भी रगड़ना है और बाहर भी रगड़ना है, मतलब अंदर वाले दांतों में जो कैल्शियम डिपोजिशन सबसे ज़्यादा अंदर वाले दांतों में रहता है, मतलब जो दांतों के नीचे वाला ये वाला पोर्शन रहता है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको उंगलियों से हल्का ये रगड़ना है, वहाँ पर कैल्शियम बहुत ज़्यादा जमा रहता है। अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम आपको वहीं जमा रहता है, दांतों के यहाँ सामने नहीं जमा रहता, पीछे ज़्यादा जमा रहता है, तो पीछे साइड आपको अच्छे से उसको रगड़ना है कि वहाँ से भी कैल्शियम निकल जाए। अगर वहाँ से कैल्शियम निकल जाएगा तो सामने से ऑटोमेटिकली ही कैल्शियम निकल जाएगा, और धीरे धीरे जो आपका मसूड़े हैं वो ऊपर आने लगेंगे। तो अच्छे से इससे 2 से 3 बार मसाज करिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों ये हेक्ला लावा टूथ पाउडर। और फिर से बता दूं कि ये सिर्फ 90 रुपीज़ की है, सभी होम्योपैथिक क्लिनिक और शॉप में अवेलेबल है। आप बड़े होम्योपैथिक शॉप में जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी, जो भी आपके सिटी में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं देने की कोशिश करूंगा, अगर कोई ऑनलाइन लिंक मिल जाता है तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, अगर ऑनलाइन लिंक मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको एक ऑनलाइन भी दे दूंगा कि वहां से भी आप ले सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप अपने सिटी के आसपास, सिटी जो आपके आसपास वाली शॉप से ही दवा लें। तो दोस्तों बस आपको ये वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो लाइक कर दीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको देखने हैं और आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं,
और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का इधर है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ये बिल्कुल टोटली फ्री है। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन को दबाने से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही आपको एक आइकन, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन के बाद आप वो तुरंत वीडियो देख सकते हैं। और मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हेल्थ रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड और होम्योपैथिक रिलेटेड लाता रहता हूँ। और लाइव क्लिनिक भी आती है मेरी 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, और अभी 12:30 है तो लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर लाइव क्लिनिक आ जाएगी। लाइव क्लिनिक में जैसे आप कुछ पूछते हैं तो मैं यहाँ से उसका डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करता हूँ जब तक नेटवर्क अच्छे से रहता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।